अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज के ब्लॉग में नैनीताल विजिट किया है। हाँ, तो मैंने जो है अपने तरीके से नैनीताल जो है एक्सप्लेन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है रोड से होने वाली है, यानी कि सड़कों से होने वाली है। जैसे कि अल्लाह हमारे लिए जरिया बनाता है, इसी हिसाब से जो हमें नैनीताल का ब्लॉग स्टार्ट करना है वो भी एक जरिए से करना है, रोड के, तो समझे। हाँ, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट अल्लाह का नाम लेके। ये है बाजपुर, और बाजपुर से निकलने के बाद हम जा चुके हैं, हम जा रहे हैंगे काला ढोंगी के जंगलों में को निकलते हुए, मतलब ही पहुंचने, यहाँ काला ढोंगी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो देख सकते हैं साइडों में पेड़ ही पेड़ है। ओए होए होए, माशाल्लाह, वाटा कुदरत, क्या कुदरत का नजारा है। और ये जो है वन है, तो यहीं से जो होता है स्टार्ट हो जाता है पहाड़ी वाला एरिया। हाँ, तो बात ये है कि जब से मैंने अपने ब्लॉग्स में दीन की बातें चालू करी है ना, तो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह। तो जैसे ही हम काला ढोंगी में पहुंचने वाले होते हैं, तो रास्ते में हमें एक दो मोड़ ऐसे मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि यही यार मतलब पहाड़ आ गए दिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब जो है हम लोग काला ढोंगी में एंटर कर चुके हैं, तो देख सकते हैं साइड में ये है काला ढोंगी का पुल। काला ढोंगी में काफी सारी नदियां हैं, लेकिन ये क्या है? नगर पंचायत काला ढोंगी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे टोपी उपी पहन के बड़ा अच्छा बन के दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो क्या हुआ, अगर अच्छे ना हैं तो बन जाएंगे, दुआ करो यार। और इससे पहले ये भी बता दूं कि मैं ये जो नैनीताल के ब्लॉग है ना, 3 या 2 वीडियो में बन पाएंगे, इसलिए हाँ ये भी पहले बता दूं, ना तो कहते ले पूरा एक ब्लॉग ऐसे निकाल दिया। तो क्योंकि मैं जो है A to Z चीज एवरीथिंग ओके, तो इसकी जो है 2-3 ब्लॉग बनेंगे, तो बस हमारे साथ मर्जी है, देखो मत देखो, कोई जबरदस्ती ना, क्योंकि हमें फेमस ही ना होना, बस हम तो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, यही है बस। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखो कह नहीं सकता मैं, जो बेचारे अभी तक नैनीताल नहीं गए हैं या जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो देखें क्या है कैसा है, क्या है माहौल, तो देखिएगा ना। बाकी मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का वो नहीं है, क्योंकि घमंड अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो काला ढोंगी से दिखने लगे हैं पहाड़, देखो। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने यहाँ, मैं अभी पहुंचा हूँ अपने यहाँ फुप्पो के घर। देख सकते हो ये है जो काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पहुंचे, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ देखो एक भट्टा है, भट्टे में से दिखाऊं मैं तुम्हें क्या हो गया। अरे 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 भैया, मत देखो भट्टों में न झांकना चाहिए, ये गलत बात है। तो यार नैनीताल जाने से पहले सबसे पहले मुझे अपने फुप्पो के घर रुकना पड़ा। तो यार फिलहाल जो है अभी तो हम काला ढोंगी में है, थोड़ा किसी के लिए हम वेट कर रहे हैं, जैसी वो शख्स आता है फिर हम चल देंगे। हाँ, तो यार यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो जूम करके मैंने दिखाई, यहाँ से पूरे फुल तरीके से पहाड़ दिख रहे हैं। तो यार थोड़ी देर वहाँ पे उनके घर पे रुकने के बाद हम नीचे को आए, ताकि हम पूरा एक व्यू देख सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो है पूरा व्यू देखा, तो आप देख सकते हैं ये रहा पूरा फुल व्यू। हो कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे जो है खेती बाड़ी हो रही है, देख सकते हैं क्या खूबसूरत चीजें बनाई हैं उसने हमारे लिए, हमें मतलब हमारे मन को खुश करने के लिए। ओए होए होए, माशाल्लाह बहुत खूब यार। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब जो है ब्लॉग सिर्फ 5 या 4.5 मिनट का ही बनाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता, दिस इज द मिनिमम एवरेज ओके। तो नमाज पढ़ते रहे, हाँ नमाज इज द मैन ओके। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जरूर आएगा नैनीताल का ब्लॉग। तो फिर मिलते हैं, और दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।